See, I have already made it very clear. I think India has understood my people. They needed a little more of clarification to understand it properly. But the understanding was there. But a vicious Indian intent was looming large. It is only that. इसे सफाई कहिए, स्पष्टीकरण कहिए, या फिर अपने ही बयान की पुनरावृत्ति, लेकिन पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर बीजेपी सांसद सुरेश गोपी के दो बयान बहुत वायरल हो रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया कहा था, लेकिन अब कह रहे हैं कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में कहा था। करुणाकरन शुड बी द फादर ऑफ द कांग्रेस इन केरला, लाइक हाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ और इन द पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव, इंदिरा गांधी इज द मदर। इट रेफर्स टू द मदर ऑफ कांग्रेस इन इंडिया सिंपली बिकॉज इंदिरा गांधी इज कांग्रेस एंड फॉर दैट ड्रैकोनियन act of hers, I cannot sway away from attributing. I call her the real architect of India post-independence until her death. Suresh Gopi, Kerala के बेहद popular actor हैं, लेकिन सियासत की गहरी समझ रखते हैं। Family background भी political है, और चूंकि वो केरल के इतिहास में बीजेपी के पहले लोकसभा सांसद हैं, इसलिए इंदिरा गांधी के बारे में कही उनकी बात कुछ ही घंटों के अंदर पूरे देश में वायरल होने लगी। सुरेश गोपी ने मदर ऑफ इंडिया वाले बयान पर अपना पक्ष रख दिया है, साफ कह दिया है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन वो अब भी इंदिरा गांधी की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं, उन्हें भारत के शिल्पकारों में गिन रहे हैं। सवाल है कि सुरेश गोपी के स्पष्टीकरण के पीछे कोई दबाव तो नहीं? इंदिरा गांधी के पूरे राजनीतिक जीवन में अगर कोई दाग है तो वो इमरजेंसी है, आपातकाल की घोषणा, क्योंकि आपातकाल एक ऐसा धब्बा था जिसको लेकर के जिसका भी कोई उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, कोई उसको जायज़ नहीं ठहरा सकता। स्वयं कांग्रेस तो इंदिरा गांधी को भी बाद में एहसास हुआ था कि आपातकाल एक गलती थी। तो उनके पास जो उपलब्धियों का जखीरा है, चाहे वो बैंक राष्ट्रीयकरण हो, चाहे प्री वीपर्स का खात्मा हो, चाहे कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे वो पोखरण वन हो, परमाणु विस्फोट जिसमें पहली बार भारत ने किया था, चाहे सिक्किम को भारत में मिलाना हो, चाहे 1971 की विजय हो, बांग्लादेश का गठन हो, ये सारी इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां इंदिरा गांधी के खाते में दर्ज हैं कि जिनको नकार पाना किसी भी दल के लिए, किसी भी भारतीय के लिए संभव नहीं है। जवाहरलाल नेहरू को उनकी कश्मीर पॉलिसी के लिए बीजेपी अक्सर घेरती रही है। उसी तरह इमरजेंसी का चैप्टर इंदिरा गांधी के साथ चस्पा है। संसद के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी पंडित नेहरू की पॉलिसी पर निशाना साध चुके हैं, लेकिन इंदिरा गांधी को लेकर बीजेपी उतनी मुखर नहीं रही। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर भी इंदिरा गांधी के नेतृत्व क्षमता के कायल थे। यही वजह है कि सुरेश गोपी का इंदिरा गांधी पर दिया गया बयान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ओर खूब सुना जा रहा है। इंदिरा गांधी की आलोचना इमरजेंसी के अलावा बाकी किसी मुद्दे पर न संघ परिवार करता है, न भाजपा के पुराने नेता करते रहे इमरजेंसी को छोड़ करके। नेहरू जरूर उनके निशाने पर हमेशा रहे हैं, और नेहरू को लेकर के, नेहरू की कश्मीर नीति को लेकर के, या 1962 में भारत की जो पराजय हुई और इस तरह चीन ने भारतीय भूभाग पर कब्जा किया, जब भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति देश में एक प्रमुख धारा बन चुकी है, तब नेहरू के सेकुलरिज्म को लेकर के हमेशा बीजेपी के नेता निशाने पर रखते हैं, और उसी में नेहरू की चीन नीति की आलोचना भी होती है, नेहरू की जो है कश्मीर नीति की भी आलोचना होती है, और नेहरू के धर्मनिरपेक्षता को लेकर के भी सवाल उठाए जाते हैं। इमरजेंसी के दौर में भी इंदिरा गांधी को लेकर एक नारा बहुत चर्चित था। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने जेल के अंदर से एक कविता लिखी, इंदिरा इंडिया एक है इति बरुआ महाराज, अकल घास चरने गई चमचों के सरताज, चमचों के सरताज किया भारत अपमानित, एक मृत्यु के लिए कलंकित भूत भविष्य, कह कैदी कबीराज स्वर्ग से जो महान है
कौन भला उस भारत माता के समान है। हालांकि 1971 की जंग में पाकिस्तान के टुकड़े कर देने वाले साहस के लिए अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी की तारीफ करते नहीं थकते थे। इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति का वो अध्याय है जो गौरव, साहस और शक्ति से भरा है। जो बड़ा काम किया इंदिरा गांधी ने वो था पाकिस्तान को जिस तरह से बांटा गया युद्ध में 1971 में, जो बांग्लादेश अलग से बना, उससे इंदिरा गांधी की छवि एक बड़े ताकतवर प्रधानमंत्री, बड़े ताकतवर नेता के तौर पे हुई और उसने हिंदुस्तान को मजबूती दी। उसके बाद दूसरा जो बड़ा काम हुआ वो था परमाणु परीक्षण का। कामयाब नेता के तौर पे उनको समझना चाहिए, जब पहली बार कांग्रेस टूटी और जब कांग्रेस के दिग्गज या सिंडिकेट हुआ करती थी, उस समय उन्होंने पार्टी को तोड़कर एक नई पार्टी बनाई और उस नई पार्टी को बड़े परवान पर चढ़ाया और सरकार चलाने में उनको सिद्ध हस्त माना जाता था। इसलिए 77 में जब हार हुई और 1980 में जनता पार्टी के बिखराव के बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया, वोट उन्हें दें जो सरकार चला सके। 15 साल 350 दिन तक इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी। पिता पंडित नेहरू के बाद सबसे ज्यादा समय तक वही पीएम थी। गूंगी गुड़िया से लेकर आयरन लेडी तक का सफर इंदिरा गांधी ने अपनी काबिलियत से हासिल किया है। इंदिरा गांधी के शासन में नई दिल्ली की ताकत का आभास वाशिंगटन को भी था और इस्लामाबाद को भी। अक्टूबर 2023 में बीजेपी नेता और इंदिरा गांधी के पोते वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी को देश की मां कहा था। सियासत में उपमा और अतिरेक के लिए खुली जगह है। समर्थक और विरोधी दोनों इनका पूरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच यही है कि राष्ट्र के आगे व्यक्ति कुछ नहीं, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, राष्ट्र से महान कुछ नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।